हेलो बच्चों बच्चों, हम डिफरेंशियबिलिटी का दूसरा वीडियो शायद ये या पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताया था। अब उसमें कुछ एग्जांपल्स चल रहे थे हम का हमारे पहले वाले वीडियो में, तो वो एग्जांपल्स आगे बढ़ा रहे हैं हम। और जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार फिर बात कर लेता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल की। ध्यान सुनना, इसको मैं थोड़ा नीचे रख लिया। देखिए, कोई फंक्शन एक्स वाई में है और तुमसे कहा जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहें तो इसे एस लिखा जाएगा, एच टेंस टू जीरो। जो यहाँ फंक्शन है ना, फंक्शन जो भी यहाँ फंक्शन है उसके अंदर जो एक्स है, बस तुम्हें एक्स में चेंज करना, वाई में चेंज नहीं करना, वाई कॉन्स्टेंट रखना है। और फिर यही जो फंक्शन यहाँ लिखी हुई है एफ, वो एफ ही लिख देनी है यहाँ पर एक्स वाई, और अपॉन में डाल देना है एच। बस ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स वाई हो सकता है किसी पॉइंट ने पूछा तो पॉइंट लिख देना। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि एफ वन टू और यहाँ पर करना है तुम्हें आपके पास वाई के रिस्पेक्ट में ये करना, इसका मतलब है फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें एक्स जगह वन रखो, वाई की जगह टू। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट किया जा सकता है, लिमिट अगर के टेंस टू जीरो माइनस माइनस एफ वन टू और अपॉन में के, बस इतनी सी बात है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल डेल एक्स और यहाँ पे लिख दिया एफ वाई, तो मेरे लिए जो फंक्शन है वो एफ वाई है, ठीक है। तब मैं डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, एच टेंस टू जीरो। फंक्शन एफ वाई के अंदर कहाँ चेंज करना, एक्स में वन प्लस हाँ आर टू, और फंक्शन एफ वाई ऐसे की ऐसे ही अपॉन में एच, बस इतनी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सारे क्वेश्चन हम इन डेफिनेशन से ही कर रहे हैं क्योंकि साधारण करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन है, ये फंक्शन की दो वैल्यू है, ऊपर वाली तब ली जाएगी जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो के होगा, और ये वाली तब ली जाएगी जब एक्स वाई जीरो जीरो के होगा। तो उसने पूछा एक तो एफ एक्स वाई निकाल लो और एक एफ वाई एक्स निकाल लो। फिर पूछा उसने तीसरी बात, क्या ये इक्वल आएंगे? तो वैसे तुमने देखा होगा अब तक हमने बीएससी पार्ट वन तक तो यही करा कि चाहे एक्स के पहले कर लो फिर वाई कर लो, दोनों सेम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर थ्योरम भी है, एक यंग थ्योरम है, तो उसने कहा है कि अगर एफ का एक्स के करें अलग से है और एफ का वाई के करें अलग से है, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंसेबल होने चाहिए, तभी ये दोनों चीज सेम हो सकती हैं। तो वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो हम बिना थ्योरम के ही वैसे ही करके देखते हैं ना कि हाँ ये सेम आते हैं या नहीं आते। अरे ठीक जी, देखिए सबसे पहले मान लीजिए तुम ये निकालना चाहते हो, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये निकालना चाहते हो एफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? देखिए पहले एक्स लिखा तो मैं डेल डेल एक्स यहाँ लिखूंगा, इसका मतलब मैं वाई इसका करूंगा, इसका मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लिख लिया मैंने एस है। तो अब तुम अपने दिमाग में एफ वाई को फंक्शन मानो और तब तुम करो एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट प्रिंसिपल सर ला के दिखाओ, लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन एफ वाई कहाँ चेंज करोगे, हाँ एक्स में, और फिर फंक्शन ऐसे के ऐसे लिखोगे जीरो जीरो बस आर अपॉन में एच। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, इसको भी तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद भी डेरिवेटिव है वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसे मैं अलग कर लेता हूँ, फिर बाद में इसमें वैल्यू भर दूंगा। करें ठीक जी, तो मैं यहाँ पर अलग करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट इसे हटा दो क्या आगे, ध्यान सुनना। अब हम करने जा रहे हैं एफ वाई जीरो प्लस एच और जीरो, इसका मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में करना है किस फंक्शन का, एफ का, किस पॉइंट पर, एच जीरो पर, जीरो प्लस एच का मतलब एच जीरो। अब लगा के दिखाओ डेफिनेशन, लिमिट के टेंस टू जीरो, फंक्शन के अंदर कहाँ चेंज करना है, जीरो प्लस के और माइनस फंक्शन ऐसे की ऐसे ही अपॉन में के। ये इतनी समझ में आ गई तुम्हें? ठीक जी, बस अब तुम्हें इसकी वैल्यू भरनी है, के टेंस टू जीरो, बताइए फंक्शन की वैल्यू ऊपर दी गई थी, यहाँ देखो एच के है, एच के पॉइंट पर निकालनी है, तो ऊपर देखो ध्यान से फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, यहाँ पर ऊपर वाली, ये वाली। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या करेंगे, जहां एक्स है वहां एच, जहां वाई है वहां पर के, तो बोल ना रख के जा, मैं इसे ऊपर जा रहा हूँ, हाँ एच के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू भी किससे आएगी,
फर्स्ट सही आएगी क्योंकि दोनों जीरो जीरो नहीं है। तो बताइए एच, हाँ एच की जगह एच ही है, के की जगह जीरो है, फिर के की जगह जीरो है माइनस के एच स्क्वायर है, ये तो आएगा शायद। फिर के की जगह जीरो है अब प्लस के एच स्क्वायर है, अपॉन में के लिखा मैंने। अब इस लिमिट को सोल्व करना है, ध्यान से सुनो, ये पीछे वाला यहाँ जीरो होने के कारण ये सारा जीरो बटे एच स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो पॉइंट जीरो थोड़ी बनेगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये फिलहाल हमारा ऐसा आ गया एच के स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, अब पूरे के बटे के या उल्टा कर दो के नीचे रहेगा, तो के से के कट गया। अब हमें के पे ध्यान देना है बस, केवल एच से मतलब नहीं है हमारा, एच तो हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, बस के की लिमिट लेनी है हमें। तो क्या करेंगे हम, के की जगह जीरो रख के देखेंगे, तो के की जगह यदि मैंने जीरो रखा तो क्या बनेगा, जीरो माइनस के एच स्क्वायर अपॉन जीरो प्लस के एच स्क्वायर, तो क्या जीरो अपॉन जीरो बना, नहीं बना, माइनस के कितना आ गया एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर, तो हमारे लिए लिमिट सोल्व हो गई और वो आ गई माइनस एच। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जी। अब हम यहां पर जैसे हमने ये लिमिट सोल्व करी बिल्कुल ऐसे ही, एक मिनट, हाँ इधर ध्यान देना, अब की बात करेंगे एफ वाई जीरो जीरो और फिर यहाँ वैल्यू भरेंगे, फिर इस लिमिट को सोल्व करेंगे, तब जाकर एफ एक्स वाई निकलेगा। तो अब हम ये निकालने जा रहे हैं एफ वाई जीरो जीरो, ठीक है, ये यहां पे लिख देता हूं मैं अगेन। अब हम पुनः कर रहे हैं एफ वाई जीरो जीरो, इसका मतलब एफ का करना है वाई के रेस्पेक्ट में, एफ का करना है एफ का जीरो जीरो, तो लगाओ डेफिनेशन, लिमिट एफ के अंदर जीरो प्लस के माइनस के जीरो जीरो बस, और अपॉन में के। अब फंक्शन की डेफिनेशन पहुंचो और सोचो इसमें फंक्शन कौन से इस्तेमाल होगी, पहली या दूसरी, पहली पहली क्योंकि यहाँ पर के आ रहा, तो क्या थी वो ध्यान देना है एक बार को, देख किताब में देखो, बोलो एक्स वाई का मतलब एच की जगह जीरो और के की वाई की जगह के, फिर ब्रैकेट में तो के स्क्वायर माइनस के जीरो, हाँ और अपॉन में के स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, और एफ जीरो जीरो पर थी जीरो और अपॉन में कितना था के। अब इस लिमिट को सोल्व करो, हाँ क्योंकि यहाँ पर हमारा लिमिट के टेंस टू जीरो, ये तो हमारा सारा जीरो बन गया, तो जीरो बटे के। अब हम के की जगह पहले जीरो रखेंगे, पहले सोल्व कर लेंगे, तो लिमिट कितनी जाएगी, जीरो, ठीक है। अब इन्हें पुट कर देते हैं वन में, जो हमारा वन था, एक बार निगाह डाल लीजिए ऊपर की ओर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर इस जगह भरेंगे, तब जाकर हमारी ये निकलेगी एफ एक्स वाई जीरो जीरो, ठीक है। लिमिट भी लेनी पड़ेगी अभी एच टेंस टू जीरो, तो मैं पुट इन वन कर रहा हूँ, ए यहाँ पर हमने पुट इन वन कर दिया, तो यहाँ एफ एक्स वाई किस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, जीरो जीरो पर, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, बताइए पहले वाले की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के एच आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई जीरो, और अपॉन में कितना था वहां पर एच था। अब बताओ अगर मैं एच की जगह जीरो रखूंगा तो जीरो अपॉन जीरो बनेगी, तो उससे पहले क्या कर दूं, काट दो, काट देंगे तो लिमिट कितनी आएगी माइनस वन। तो देखो हमने दिखाया कि एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो जीरो पर माइनस वन है, एक आंसर आ गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम दोसा आंसर निकालना है, तो मैं तुम्हें दोसा यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ही देखो। अब निकालना एफ वाई एक्स जीरो जीरो, तो इस साइड में कर देता हूँ मैं, कर दो यहाँ पर। अब हम निकाल रहे हैं सेकेंड पार्ट, इसका लिख दिया मैंने, सेकेंड पार्ट का मतलब है ये निकालना हमें एफ वाई एक्स जीरो जीरो। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में करना है, किसका करना है एफ एक्स का जीरो जीरो का। तो पहले अपने दिमाग में ये समझो कि एफ एक्स एक फंक्शन है और तुम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डेफिनेशन लगाओ क्या लिखी जाएगी, लिमिट के टेंस टू जीरो, फंक्शन एफ एक्स है उसमें कहाँ चेंज करना, वाई में, तो जीरो प्लस के करना और माइनस एफ एक्स और जीरो जीरो, यही तो है अपॉन में के। अब तुम्हें ऐसा सेकंड मान लेना चाहिए और इनको अलग सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सोल्व जाएंगे, करें अब नाउ कर रहे हैं हम। अब हम करेंगे एफ एक्स जीरो के को सोल्व, इसका मतलब है एफ का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, किस पॉइंट पर जीरो के में, तो डेफिनेशन लगाओ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ के अंदर जीरो प्लस एच कॉमा के एफ जीरो के, बहुत बढ़िया ये कर दिया, और अपॉन में एच, अब तुम समझ गए, ठीक जी। अब इसकी वैल्यू भरनी है फंक्शन की, फंक्शन को ऊपर देखो ध्यान से, एच और के आ रहा तो फंक्शन की वैल्यू पहले वाले से बढ़ जाएगी, ए यहां पर देख लीजिए, ए री फंक्शन, ये री फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्स वाई जो बैठ रहा वो एच के बैठ रहा,
और एच के जीरो जीरो नहीं होता तो इसका मतलब इससे निकलेगी। लेकिन ये बस ये ध्यान रखना सेकंड में तब इस्तेमाल होनी जब एक्स और वाई दोनों ही जीरो होंगे तो, ठीक करें। बस एक बात ध्यान रखना, एक्स की जगह एच भरना है, वाई की जगह के भरना है। बोलो, एच एच के के स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू बताओ। एक्स की जगह तो जीरो भरना है और वाई की जगह के भरना है, तो के स्क्वायर माइनस के जीरो का स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर अपॉन में है एच, यही तो है। और लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसको सोल्व करना, बस देखो बाद वाली तो हो गई जीरो सारी, ये वाली तो जीरो हो गई, बस ये बची यहाँ पर एच से एच कर जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब लिमिट हम जानते हैं सिंगल वेरिएबल की लिमिट है, बस हमारे लिए तो एच पर ध्यान देना, के से कोई मतलब नहीं, एच की जगह जीरो रख के देखें तो जीरो और यहाँ जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो नहीं बनेगी, लिमिट सोल्व जाएगी। तो बता क्या आएगी, के क्यूब अपॉन के स्क्वायर, तो कितना आ गया के आ गया। ऐसे ही हमें निकालना है एफ एक्स जीरो जीरो, ठीक है। अब ये निकालो सिमिलरली, तो इसमें भी इसका मतलब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तुम्हें एफ जीरो जीरो पर। फॉर्मूला बोलो, एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच माइनस अपॉन एच, बस। अब इसकी वैल्यू पहला भरो फंक्शन से एफ से, एक्स की जगह एच भरना और वाई की जगह जीरो, ये तो था। तो जीरो माइनस एच स्क्वायर अपॉन में था जीरो प्लस एच स्क्वायर, ये तो था शायद, और जीरो जीरो पर था जीरो और अपॉन में आ जाएगा एच। तो सोच के बताओ ये लिमिट सोल्व करने पर कितने बन जाएगी, ये जीरो ने सारा जीरो कर दिया ऊपर ले वाला, और ऊपर जीरो और नीचे एच तो फिर भी जीरो, तो ये सारी लिमिट जीरो जाएगी। अब इन्हें तुम्हें पुट कर देना सेकंड में, पुट इन सेकंड, एक बार सेकंड को निगाह डाल लेते हैं, सेकंड क्या था, ये रही इसकी वैल्यू यहां बढ़नी फिर यहां बढ़नी और के रेस्पेक्ट में लिमिट लेनी, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं पुट इन सेकंड में, तो हम निकाल रहे थे एफ वाई एक्स जीरो जीरो पर, ठीक है, लिमिट के टेंस टू जीरो। बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती, पहले वाली के और इसकी आई जीरो, अब बटे में के, कैसे के कट गया कितना आ गया। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि एफ एक्स वाई की वैल्यू जीरो जीरो पर वन आई, ये हमारा सेकंड आंसर हुआ। अब थर्ड पार्ट ने पूछा था क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए थर्ड पार्ट। अब हमने देखा एफ एक्स वाई जीरो जीरो की जो वैल्यू बैठी थी वो बैठी थी माइनस वन, जबकि एफ वाई एक्स की वैल्यू बैठी थी हमारी प्लस वन। इसका मतलब है एफ एक्स वाई जीरो जीरो नॉट इक्वल टू वर्ज, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो तुम्हें मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल था फर्स्ट ऑर्डर के केवल डेल एफ डेल एक्स निकालना भी सिखा दिया और सेकंड ऑर्डर का भी सिखा दिया, तुम्हें दो बार करना हो तो, ठीक है। तो यही हमारी एक्सरसाइज में है, उसके बाद में बस एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा इसके अंदर टोटल डिफरेंसिबिलिटी, वो कैसे चेक करेंगे उसे बाद में बताऊंगा मैं, फिलहाल नोट कर लीजिए। देखो बच्चों इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंसिबिलिटी या टोटल डिफरेंसिबिलिटी। देखिए तुमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है सिंगल वेरिएबल की एक फंक्शन हो उसके बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल के बारे में, यहाँ बोलते हैं टोटली डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, या सिंपल डिफरेंशिएबल भी कह सकते हो तुम, इसका क्या मतलब है वो सुन लीजिए। ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर, लेट एफ एक्स वाई कोई एक फंक्शन है एक्स और वाई में, इस फंक्शन को हम कहते हैं कि वे टोटली डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए बी पर, If there exist two numbers A and B, अगर तुम्हें दो नंबर ऐसे मिल जाते हैं A और B, कैसे बताऊंगा अभी, लेकिन ब्रैकेट में लिखा मैंने उनमें एच के नहीं होना चाहिए, A के अंदर भी एच के नहीं होना चाहिए, B में भी एच के नहीं होना चाहिए, मतलब A और B डिपेंड नहीं होने चाहिए H और K पर। कैसे, देखिए तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हें फंक्शन दी गई होगी उसमें X की जगह भरना है A plus H और Y की जगह भरना है B plus K, फिर F की फंक्शन की वैल्यू A और B पे भी निकालनी है, उन्हें घटाना है, घटाने के बाद उसको इस रूप में लिख कर देखना है कि यहाँ पे कोई नंबर आ जाए a इंटू में एच, यहाँ कोई नंबर आ जाए इंटू में k, अब प्लस करके अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बन जाए, और पीछे जो भी बचा है वो फंक्शन केवल h और k की हो, तो उसे फंक्शन कहा फाइव एच के। लेकिन जो फंक्शन हो पीछे वाली, इसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि अगर इसकी जीरो जीरो पर साइमल्टेनियस लिमिट निकल जाए या लिमिट निकल जाए तो वो जीरो आनी चाहिए, कहने का मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट कितनी आनी चाहिए जीरो। अगर हम किसी फंक्शन को उसको इस तरह से लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल है।
फिर सुन लीजिए, एक फंक्शन देगा वो तुम्हें, एक पॉइंट बताएगा और कहेगा बताइए क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफेंसिबल है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये साइड अपने पास से बनानी है। कैसे बनानी है, जहां फंक्शन में एक्स होगा वहां ए प्लस एच करना, जहां वाई है वहां बी प्लस के करना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वैल्यू कैसे करोगे, जहां एक्स है वहां ए रखना है, जहां वाई है वहां बी। अब इसे घटाकर उसको इस रूप में लिखने की कोशिश करना है। यहाँ एच एच के साथ में कोई नंबर आ जाए, के कोई नंबर आ जाए, और फिर यहाँ अंडर रूट बनाना है, और पीछे सारी की सारी फंक्शन एच और के में ही होनी चाहिए। जो ये फंक्शन हो उसकी ये विशेषता होनी चाहिए। अगर तुम ऐसे लिख पाते हो तो उस फंक्शन को कहा जाएगा कि टोटली डिफरेंसिबल है। और जो ये इतना भाग है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। डेरिवेटिव मतलब अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, किस पॉइंट पर, ए बी पर। ठीक, तो अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन पहले निगाह डाल लो, ए यहाँ पर निगाह डालो, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, ये वैल्यू निकालनी तुम्हें और फिर इस रूप में लिखनी है। तो वो कैसे लिखोगे मैं तुम बताऊंगा अभी। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज नंबर है तुम्हारा M23 पर। फंक्शन की वैल्यू दी गई है, ये एफ एक्स वाई की वैल्यू 2 दी गई है। एक्स वाई ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, अपॉन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंडीशन लगाई गई है एक्स वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 0 है, और यहां पर दी गई है 0, और जब एक्स वाई इक्वल टू 0 0 है। ये अब उसने कहा है इज डिफरेंसिबल, क्या ये डिफरेंसिबल है, एट किस पॉइंट पर, 0 0 पर, ओरिजिन पर कहा है तो 0 0 पर चेक करना। बस अब मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी हिंट यहां पे ध्यान देना। बस देखो सॉल्यूशन, कोई पूछने लगे यहाँ पॉइंट क्या हुआ, तो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना। सही है, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ए प्लस एक्स बी प्लस के, मैं लिख के दिखा रहा हूँ जानबूझ के, और माइनस के एफ ए बी, इसकी वैल्यू पहले निकालो। इसका मतलब है यहाँ पर रखो 0 प्लस एच और यहाँ पर 0 प्लस के। देखिए ए बी मजबूरी है मैं लिखने की तुम्हें समझाने के लिए, कभी तुम भूल जाओ बाद में, वरना सीधे बच्चे कर देते हैं। 0 पे करा तो एफ 0 प्लस एच निकालना है, बी 0 प्लस के निकालना है, और माइनस क्या, एफ 0 0। अब फंक्शन से बताना इसकी वैल्यू किस निकलेगी, पहले वाले से दूसरे से, पहले वाले से। तो एक्स की जगह एच कर देना है, वाई की जगह अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया माइनस इसकी वैल्यू 0, ये आ गया। बहुत बढ़िया, अब यहां ध्यान देना, अब क्या करना है तुम्हें, मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। यहाँ आया एच के ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, इसको हमें एक्सपेंड करना है इस रूप में, ए एच बी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और जो भी फंक्शन बचा है वो पाई एच के, इस रूप में लाना है। तो पहले तो ये इसके बारे में सोचना, इसके बारे में। ठीक है, तो यहां मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पर अपने पास से 0 और h डाल लेता हूँ। तो a का मतलब क्या हुआ मेरा, 0, एक नंबर मिल गया, और 0 और k डाल लेता हूँ, तो इतना पार्ट बन गया। कैसे बनाना, ऐसा पार्ट बनना चाहिए बस। अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं आ रहा, तो अंडर रूट से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर लूं, और h स्क्वायर कितना था, बाकी कितना है h के, और इंटू में कितना है h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। बस मुझे ये किसी तरह से बनाना है इस टाइप का। ये देखो यहाँ पर, ए यहाँ पर आ गया, ये 0h प्लस 0k, और ये वाला अंडर रूट आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और बाकी सारे इसको इसको इकट्ठा कर लो, तो एच के, और यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बताओ नीचे कितना आ जाएगा, पावर 3/2। ये तो देखो ये इस टाइप में बन गया या नहीं बना, ये बन गया। अब प्लस के अंडर रूट और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पीछे मैं सकता हूँ ये फंक्शन बन गई एच के की, सॉरी एच के की, ये नहीं बन गई, तो मैंने उस टाइप में लिख दिया। तो ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई, फाइ एच के की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, एच के, अब एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। बस अब हम पहले वाले क्वेश्चनों पर आ गए हैं, अब हमें ये प्रूफ करना है। नाउ वी शो दैट, अब हम दिखाएंगे कि जो फाइ एच के है उसकी जो लिमिट है एच के टेंस टू 0 0 पर वो कितनी है, 0 है, ये सिद्ध करनी है।
तो मैंने कहा था जो साइमल्टेनियस लिमिट होती है, ये क्वेश्चन दो तरह से किए जाते हैं। अगर तुम्हें लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो डेफिनेशन लगाओ, और एग्जिस्ट नहीं करानी है तो एग्जाम्पल दो। बस ये समझो ये क्वेश्चन अब तुम्हारे एच के में एक्स वाई में ना हो के, जितने भी एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन करे थे हमने तो पोलर फॉर्म से किए थे, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो यहाँ एक्स ना लेके एच बराबर मान लेना और वाई बराबर के ले लेना, सही है। तो यहां से क्वेश्चन ये साइमल्टेनियस लिमिट के पहले वाले चैप्टर के बनी है, ठीक है। हमें ये कहा उसने डिफरेंसिबल है, तो डिफरेंसिबल है तो इसकी लिमिट 100% फिर जीरो आती होगी, और यदि वो कह रहा डिफरेंसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये लिमिट जीरो नहीं आती होगी। तो तुम्हें यहाँ एग्जाम्पल देकर दिखाना है कोई ऐसी, कैसे कह देंगे के बराबर एम एच, ये ना वाई बराबर एम एक्स, ऐसे कह के दिखा दो और वो एम पे डाल के दिखा दो कि देखो ये एम पे डिपेंड है, इसका मतलब इसकी लिमिट बदलती रहेंगी, सही है। तो ये वही क्वेश्चन है, इनसे घबराना मत बिल्कुल भी। ए यहां से फिलहाल तो मैंने मिटा दिया, अब यहां पर मुझे इसकी लिमिट ये दिखानी है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन का यूज करने जा रहा हूं। अब यहां से हम कर रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, फाई एच के में से घटाओ जो तुम्हें लिमिट लाके दिखानी जीरो, ये याद है। फाई एच के की वैल्यू खोल दो, क्या थी ऊपर देखो, एच के थी एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर था शायद, और नीचे था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस के जीरो। एक बार चेक कर लें, एक मिनट ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो कर दिया बस जी। अब मैंने तुम्हें कहा था इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, तो एच इक्वल टू मान लो आर कोस थीटा और के बराबर मान लो आर साइन थीटा, और यहाँ भरो तो यहाँ आर कोस थीटा आर साइन थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बन जाएगा, बस कर लो 3/2 ये रहा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर ये और आर स्क्वायर अंदर से बाहर निकाल लो तो कुल मिलाकर आ जाएगा आर की पावर 4 कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा कोस 2 थीटा का, और नीचे बन जाएगा आर की क्यूब, और काट पीट दो। एक मिनट, हाँ तो यहाँ से आर क्यूब कट जाएगा तो आर बच जाएगा है? और इनको भी सबको अलग अलग कर दो साथ साथ में कोस 2 थीटा, और हम जानते हैं इन सब की वैल्यू लेस देन 1 होती है, वो तुम सब लिखते हो जानते हो, ऐसे cos 2 थीटा की वैल्यू भी लेदन बन जाएगी, केवल यहां पर बच जाएगा हमारा r, r की वैल्यू खोल दो वो थी अंडर रूट, बस यहाँ h स्क्वायर लिखा जाएगा अब प्लस के स्क्वायर। अब इसका तुम्हें बता रखा है इसके बाद में क्या डालना पड़ता है एप्सिलॉन, तो हम कहेंगे भाई फाई एच के माइनस जीरो की वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगी कब, व्हेनेवर जब अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेदन हो जाएगा एप्सिलॉन। अब देखो सीधा अपने आप ये बन गया, तो यहाँ लिख दो h माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस k माइनस जीरो का स्क्वायर और लेदन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को थोड़ी देर के लिए मान लो डेल्टा, तो यहाँ बन जाएगा ये रहा एच स्क्वायर एच माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस k माइनस जीरो का स्क्वायर और लेदन आ गया डेल्टा, बस यही हमें दिखाना था। तो इससे क्या चला पता, इससे ये चला पता कि जो फाई एच के है ना जो उसकी लिमिट है वो 100% जीरो जीरो है, और यदि मुझे ये सिद्ध करना होता ना कि डिफरेंसिबल नहीं है तो फिर मैं ऐसे नहीं करता डेफिनेशन से, फिर एग्जांपल ले करता मैं, उसे फेल दिखाना था मुझे, ठीक है। तो यहां से ये यह हो गया। अब देखो तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, इसलिए हम कह सकते हैं जो फंक्शन थी हमारी fx y वो वास्तव में कैसी है, डिफरेंसिबल है, इज टोटली डिफरेंसिबल। डिफरेंसिबल किस पॉइंट पर पूछा था, जीरो जीरो को, बस आगे क्वेश्चन समझ में तुम्हें, तो यही काम करना है, अब इसे नोट कर लो।